हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर एम्पलीफायर हैज़ लोएस्ट एफिशिएंसी। कौन सा पावर एम्पलीफायर का सबसे लोएस्ट एफिशिएंसी होता है? तो देखिए, सीरीज फेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का सीरीज फेड का 25% एफिशिएंसी होता है। सेकंड है ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का 50% एफिशिएंसी होता है। क्लास बी एम्पलीफायर का 78.5% एफिशिएंसी होता है। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे कम एफिशिएंसी किसका है, तो सबसे कम एफिशिएंसी किसका हो जाएगा, सीरीज फेड क्लास ए एम्पलीफायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, डैश इज द सिंबल ऑफ डैश गेट। कौन सा गेट का सिंबल है? तो ये आपका एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। इस तरह से दो इनपुट होता है ए और बी, और आउटपुट होता है ए इंटू बी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, एंड गेट। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स डैश ट्रिगर इनपुट। तो मोनोस्टेबल में क्या होगा, एक स्टेबल स्टेट होता है, तो एक ट्रिगर इनपुट चाहिए। मोनोस्टेबल में एक ट्रिगर इनपुट चाहिए, बाई स्टेबल में दो चाहिए, और ए स्टेबल में एक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, FM ट्रांसमीटर ऑपरेट्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। FM किस रेंज में ऑपरेट करता है, 88 मेगाहर्ज से 108 मेगाहर्ज। इसी रेंज में आप विविध भारती, रेडियो मिर्ची, रेडियो धमाल सुनते हैं, वही FM में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ FM ट्रांसमीटर। FM ट्रांसमीटर का कौन सा पार्ट है? तो इंटीग्रेटर भी होता है, प्री इम्फेसिस होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होता है, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रोफोन। रिबन माइक्रोफोन होता है, कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, कार्बन माइक्रोफोन होता है, ऑल ऑफ एबव, सब क्या है, माइक्रोफोन का टाइप्स है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटू साउंड सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वही माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और लाउड स्पीकर करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में। तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, तो कौन सा हो जाएगा, लाउड स्पीकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, देयर आर डैश सेलेक्ट लाइन इन 8:1 डीमक्स। 8:1 डीमक्स में बोल रहा है कितना सेलेक्ट लाइन होगा। तो 2^m इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ गलत है, यहाँ पे अगर डी मल्टीप्लेक्सर होगा तो 1:8 हो जाएगा, न कि 8:1 होगा। 8:1 मक्स होता है, न कि डी मक्स होता है। डी मल्टीप्लेक्सर होता है 1:8, एक इनपुट होगा, 8 आउटपुट होगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिए, 1:8 हो जाएगा। तो 1:8 डी मक्स में 3 सेलेक्ट लाइन होगा, कितना सेलेक्ट लाइन होगा, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो डी मक्स क्या होता है, 1:8 होगा, वही 8:1 क्या होगा, मक्स होगा, मल्टीप्लेक्सर होगा। तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डायोड इज, डायोड क्या है, डैश टर्मिनल डिवाइस। तो दो टर्मिनल होता है डायोड में, दो टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो टू टर्मिनल डिवाइस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सिंबल दिया है, पूछ रहा है कौन सा है। तो देखिए ये बाहर की तरफ एरो है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए,
ये बाहर की तरफ एरो है, बाहर की तरफ ये आपका हो गया बेस, इमीटर, कलेक्टर। बाहर की तरफ अगर एरो रहेगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, वही अंदर की तरफ एरो रहेगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब बात रही जो ये कौन सा कनेक्शन है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, तो ये कौन सा है, कॉमन इमीटर है, क्योंकि इमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनपीएन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है और ये एक्टिव डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस जिसमें कि अलग से सप्लाई नहीं देना पड़ता है, तो उसको हम लोग एक्टिव डिवाइस, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कौन सा है, तो वेटेड रेसिस्टर है और आर टू आर लैडर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी, दोनों क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। डी स्लैश ए का मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो वेटेड रेसिस्टर भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है और आर टू आर भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रिक्वायर्स ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कौन सा एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चाहिए। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी लगा रहता है। उसका आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिफ्ट रजिस्टर इज मेड ऑफ, रजिस्टर किससे बना रहता है, फ्लिप फ्लॉप से, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर काउंटर से बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट, कौन सा डिवाइस है जिसमें मेनी इनपुट होता है वन आउटपुट होता है, मल्टीप्लेक्सर में होता है, मल्टीप्लेक्सर में मेनी इनपुट वन आउटपुट होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, वन इनपुट मेनी आउटपुट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए एंड बी आर इनपुट टू हाफ सबट्रैक्टर देयर बोरो आउटपुट इज, तो हाफ सबट्रैक्टर का बोरो आउटपुट क्या होता है, बोरो में आप देखेंगे ए बार बी आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे देखिए ये आपका ए और बी दो इनपुट हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ये बोरो हो गया, तो 0 में से 0 गया, 0 बोरो 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक बोरो लेंगे, अब ये कितना हो गया, 10 10 मीन्स 2, 2 में से 1 गया तो 1 1 में से 0 गया 1, बोरो कुछ नहीं लिए तो 0 1 में से 1 गया 0 बोरो भी 0, तो बोरो में देखिए जो 1 वाला कॉलम रहता है उसके लिए लेते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या ए में क्या है 0 बी में 1 है, तो ए बार बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोरो के लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी। वही सम के लिए पूछता तो क्या हो जाता, सम के लिए एक्स और हो जाता है, ए बार बी प्लस ए बी बार एक्स और गेट हो जाता है, सम के लिए, सॉरी सम नहीं होगा यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्टर है तो सब्सट्रैक्टर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हो जाएगा एक्स और गेट, और बोरो के लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी, जो कि एंड गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है किसका सिंबल है, तो इस तरह का सिंबल किसका होता है, तो ये आपका एक्स और गेट का सिंबल है, किसका है, एक्स और गेट का सिंबल है, या एक्स और भी हम लोग बोलते हैं, एक्स और गेट का है, तो एक्स और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए सर्कल के अंदर में प्लस ए एक्स और बी पढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंबल दिया है, पूछ रहा है किसका सिंबल है, तो ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम आपको बताते हैं चार चीज़ होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स,
इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करेंट सोर्स। तो चलिए ये तो आपका है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। डिपेंडेंट करेंट सोर्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट करेंट सोर्स में बस इसी तरह का बनेगा, यहाँ पे एरो लगा दीजिए, ये करेंट सोर्स दिखाएगा। तो ये डिपेंडेंट करेंट सोर्स का हो गया। अब हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का देखेंगे, पहला वाला का। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का कैसा होगा, ऐसे कर लीजिए एक सर्कल बना के, सर्कल बना लीजिए अच्छे से, सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल बना लेंगे, उसमें प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का हो गया। और वही इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स का क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स का एक सर्कल, उसमें एक एरो होगा और इस तरह। जब सर्कल होगा और उसके अंदर में प्लस माइनस करेंगे तो वो आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स हो जाएगा। ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स है, और ये जो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जब इस तरह का पैरेलल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर। तो वेरिएबल रेसिस्टर का सिंबल क्या हो जाएगा, रेसिस्टर बनाइए और एक एरो लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सिंबल दिया हुआ है, पूछा है किसका सिंबल है, तो ये क्या है, जीनर डायोड है, जीनर डायोड, ऐसे करके बनाइए और यहाँ पे जेड टाइप से हो जाता है, जेड टाइप से, ये किसका हो गया, जीनर डायोड का हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि ग्रुप बी में है, चार नंबर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन का डायग्राम बनाना है, या इसी के और में है, दोनों में से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ XOR गेट, XOR गेट का लॉजिक डायग्राम बनाना है, उसका ट्रुथ टेबल बना दीजिए। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ डायरेक्ट कपल्ड टू स्टेज एम्पलीफायर, यहाँ पे कपल्ड नहीं होगा, कपल्ड होगा, CUPLED, कपल्ड हो जाएगा, डायरेक्ट कपल्ड टू स्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, CISO, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम बनाना है, या इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ NPN कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, बेस टर्मिनल क्या होगा, कॉमन हो जाएगा इनपुट और आउटपुट साइड के लिए भी, सोच इस तरह से हम लोग क्या होगा बनाएंगे, यहाँ पे आप अच्छे से बना लेंगे। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ नॉट गेट, और गेट एंड नैंड गेट, लॉजिक डायग्राम बनाना है नॉट गेट का, और गेट का, नैंड गेट का। क्वेश्चन नंबर इसी का और में देखिए, फाइव का, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर एंड राइट इज ट्रुथ टेबल, हाफ सबट्रैक्टर का लॉजिक डायग्राम बनाना है, उसका ट्रुथ टेबल लिखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ड्रॉ सिंबल्स ऑफ फोटो डायोड टनल डायोड, फोटो डायोड और टनल डायोड का सिंबल बनाना है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ हॉर्न स्पीकर, हॉर्न स्पीकर का सर डायग्राम बनाना है। तो फोटो डायोड और टनल डायोड का, फोटो डायोड का कैसा होगा, इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन पे हम लोग लाइट देते हैं फोटो डायोड में, और लाइट इमिटिंग डायोड में, लाइट इमिटिंग डायोड जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जंक्शन से लाइट निकलता है, इमिट होता है। और टनल डायोड कैसा हो जाएगा, इस तरह का सिंबल हो जाएगा टनल डायोड का, बस बना देना है। ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ वेटेड रेसिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वेटेड रेसिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है इसी में और करके, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM ट्रांसमीटर, FM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। आठवां क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम बनाना है। या और करके है,
ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर, फुल एडर का लॉजिक डायग्राम बनाना है। या और करके इसी में है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का लॉजिक डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर का डायग्राम बनाना है। या और करके है ड्रॉ कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन, मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन का डायग्राम बनाना है दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है। या ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ 4:1 डीमक्स, यहाँ भी क्वेश्चन में एरर है, 4:1 डीमक्स नहीं होगा, 1:4 डीमक्स होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, 1:4 डीमक्स, 4:1 क्या हो जाएगा, मक्स हो जाएगा, मक्स मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम लोग मक्स बोलते हैं और डी मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम लोग डीमक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होगा तो 1:4 हो जाएगा, नहीं तो 4:1 क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है। तो ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।